हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं बाले। ओह माय गॉड, मेरे यहाँ गुदगुदी गुड़गुड़ हो रही है यार, यहाँ पर यार पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या कुछ भूल गया क्या मैं। तो ये नहीं समझ आ रहा मैंने क्या मतलब पैक किया या नहीं किया। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग हो रहा है ब्लैंक एकदम। यशी, मैं तो सब पैक कर लिया। तू इतनी चिल कैसे रहे? क्योंकि मैंने सब कुछ पैक कर लिया यार, तो मैं तो सब कुछ बैगों में डिवाइड करके लेके जा रही हूँ। एक बैग में दूसरे बैग में तीसरा बैग। सुनना, तो थोड़ी सी मेरी टेंशन तो कम करिए। अब क्या हो गया तेरे? यार मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या भूल रहा हूँ। कौन कौन चल रहे? सब चल रहे और क्या, हम तो सब नहा धोके तैयार है। तो चलो, तो एक काम करते हैं, मैं अपनी अलग गाड़ी चलता हूँ, तुम लोग अलग जाओ। क्यों? तू भी कराएगी, वो भी कराएगी, मैं फिर उधर से घर जाऊंगा ना। दोस्तों अभी बस मस्टैंग के अंदर डीजल मस्टैंग के अंदर अभी पेट्रोल भरवा के चारों टायरों की हवा परफेक्ट करा के फिर इसको आज चला के खड़ी कर देंगे, क्योंकि 8-10 दिन फिर इसको चलाएंगे नहीं। तो मेरे दोस्तों बियर्ड सेट करा के, बाल वाल सेट करा के आ चुके हैं घर पर। चलो मम्मी से मिलते हैं, उनकी ढोक देते हैं और फिर निकलते हैं। और माताजी क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, सोने की तैयारी थी। अब निकाल के ला रहा है सामान किचन में, सारे खा के वहीं इकट्ठे करता रहता है। इसकी वीडियो बना के देते रहा करो, मैं सब में लगा दूंगा सारी जगह पे। हाँ, खा के वहीं रखता रहता है फिर इकट्ठा लाता है। अभी तो खाया मैंने 2 मिनट पहले, दूध सुबह का पिया हुआ कप है, केला का कप नहीं अभी पिया मैंने। पर अच्छा, एक एक काम के लिए बोला उसे, चार चार बारी काम एक पड़ेगी ना, अभी यही हवा निकल जाएगी सारी। दो डंबल उठा के हीरो बनते हैं। लोग कपड़े देते मेरे दोस्त। अपन निकलते हैं गाइस अभी, क्योंकि मुझे मम्मी से थोड़े बहुत कपड़े लिए घर के, वो भी एक दो वहाँ पर रखूंगा, पैकिंग करूंगा, एक वीडियो भी बनाना है, शूट करूंगा, गेट रेडी विद मी फॉर एयरपोर्ट लुक, तो वो भी बनाऊंगा और फिर निकलेंगे। चलो आता हूँ एक हफ्ते बाद। ओके, एक हफ्ते में तो काफी काम हो जाएगा यहाँ का। हाँ, एक हफ्ते का काम तो सेट कर दिया मैंने। एक हफ्ते में जो काम होगा वो सब मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था घर का, तो लोड नहीं है घर का, तो फ्री कर दिया सारा काम। चलो निकलते हैं। हेलो गाइस, वो मीठा खा रहे, वो मीठा खा रहे भाई साहब, किसी में खड़े देखे एक बार। अरे भाई साहब, गौर से देखो इस इंसान को। ये मिठाई की डब्बे में से कुछ खा रहे हैं, पेड़ा वेड़ा कुछ खा रहे हैं, पेड़ा खा रहे हैं। देखो भाई साहब, कान्हा जी के नाम पे पूरी मिठाइयां चेप जाते हैं, इधर उधर की भी सारी की सारी। हम तो प्रसाद खा रहे हैं। आप खुद के लिए लाते हो प्रसाद? पहले तो बताओ। नहीं भाई, अभी अभी देख, आप जलेबी खा गए? अरे खा ले यार, जलेबी तो खत्म हो गई अभी। कोई बात नहीं, अभी ले लेंगे। देखो हाथ करने के लिए ऊपर वाले यशी के रूम में जाओ, तो वो करके फिर वापस निकलेंगे फ्लैट की तरफ। आपको छोड़ने चल रहा है हमें? आ जाओ फटाफट से। हाँ, जलेबी खाई उसको हजम कर लूँ थोड़ी सी। ठीक है, आ जाओ फटाफट, है ना। तो दोस्तों मैंने तो वीडियो बनाया था एयरपोर्ट लुक में, मैं रेडी भी हो चुका हूँ, अब मुझे तो बस बैग उठाना है और निकल जाना है। लेट्स गो। अब क्या यशी के घर पे ही है अच्छी लोकेशन, तो यही आना पड़ता है शूट करने के लिए। फ्लैट वाली तो सब यूज कर चुके हम लोग। ये बैग, इसके अंदर सारे पासपोर्ट वगैरह सबके रख लिए मैंने, सबके आईडीज में मेरे पास रहती है, सब कुछ मैंने रख लिया। बानू याद करना पैसे लेने। पैसे? हाँ, डॉलर। अच्छा, हाँ। जिनको चेंज कराएंगे। क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? किस किस का कौन कौन सा बैग? यार देखो, ये तो दो हो गए मेरे और यशी के, इसमें हमारा शूट का पूरा सामान, एक दो इन दो के अंदर पूरे शूट के और उनके कपड़े। ठीक है, ये देख लो आप, बता दो किसका है। ये बताओ किसका है? मिकू। ये बानू का होगा। ये मिकू का है। ये मिकुड़ी का है। मिकुड़ी का है, इसने खुद की साइज का बैग लिया है। सही है, बिल्कुल सही है। कालू से ले ली बैग। सही है, दे दिया कालू ने। कालू देख ले अंकल क्या बोल रहे हैं। हमारा को नहीं देता, वो अलग बात है, बहनों को तो दे देगा। बहनों को तो देगा ही, उनको तो देगा ही देगा यार, उनको तो कुछ भी दे सकता है वो। ये ले लिया भानु ने बैग। ठीक है, तो भानु का भी सही है। ये हमारा, इसमें सारे चिप्स कुरकुरे। ये बॉय, ये भाई साहब, ये हमारा आइटम का बैग। ये 12 घंटे का और कम पड़े तो ला दूं। हैं, और ला दे यार अंकल, जगह नहीं है, ले तो हम ही आते हैं, ले जाते हैं अभी तो हमको। अच्छा, एक ट्रॉली हम तो चिप्स कुरकुरे के ले जाते हैं। ये टीपू का, ये हमारा कैमरा का बैग है, इसके अंदर सारे कैमराज और कैमराज और दन्नू का हैंड बैग। ठीक है, ये हमने नाप लिए सारे के सारे। अब यशी का 27 किलो है, मेरा 22 किलो है, ये मैच होके 50 किलो सेट हो जाना चाहिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। हां, टीपू का सही है। टीपू का काम बढ़िया है, टीपू तो
पेटी ले ली भैया। तो यार ये तो मेरे को प्लेन का नहीं लग रहा, ये तो मेरे को उसका लग रहा है, समुद्री जहाज का। प्राइवेट प्लेन का है अंकल। अंकल जी देखो मेरा तो फिक्स है, नहीं तेरा उठाया कल दिए बोले ये लो। हम तो फकीर आदमी है, उठाएंगे झोला चल चल देंगे। तो हो गया तुम्हारा टाइम, तो हो गया बस निकल रहे 10 मिनट में निकल रहे। यशी रेडी हो जाए फिर निकल रहे। ये मैंने यहाँ पहन लिया, लेकिन मेरे भाई यहाँ पहनने के लिए कुछ था नहीं, अब वहाँ पहनने के लिए कुछ और पहन लूंगा। कोऑर्डिनेट कर रही है गाइस जानबूझ के मेरे साथ ये। अगर मुझे कोऑर्डिनेट करना होगा तो मैं सुयश फैशन पहनूंगी। स्मूथ पहले गला तो ठीक कर ले यार तू। बाल बना ले हैं, अब तेरे गले का क्या सीन है? गाइस हम लोग टाइम से ऑलमोस्ट सब सेट है, मतलब एकदम रेडी है, टाइम ऑन टाइम है। एक्स्ट्रा टाइम है, 15-20 मिनट लेके चल रहे साथ में। वीजा फोन के अंदर ही दिखा देंगे ना, निकालने की जरूरत थोड़ी है। नहीं नहीं निकाल लो फिर भी यार। प्रिंट लेके जाता है वीजा, ऑनलाइन वीजा मतलब पहले करवा रखा मेरा। ई वीजा, ई वीजा, ई वीजा। हाँ ठीक है, पहले गया था तब लखनऊ के साथ, तुमने फोटो कॉपी निकाल के दिखाई थी शायद। निकला ले अपन ने, फिर ई वीजा है ना अपने पास, स्कैनर सब है। कोई दिक्कत नहीं है, स्कैनर वगैरह ना। हां चल ठीक है किधर हो जाएगा स्कैन गाइस? और वहां जाओ तो क्या बोलना है तुम्हारे को कि हम घूमने जा रहे हैं? ठीक है कहां जाओ तो क्या बोलते हैं यार? कुछ भी मन मर्जी पे रहता है। अच्छा मैं पूछता क्यों जा रहे हो? हां तो टूरिस्ट वीजा है ना, तुम्हें पता लगेगा ना, तुम दोनों ने गलत बताया तो बैठा देंगे 1 घंटा बोलेंगे। पहले क्या मुझे भी बता दो जल्दी से। अरे इन्हें देखो दे मकोड़ी में। नहीं लड़कियों से नहीं पूछते ज्यादा, हम दुबई गए थे मुझसे सवाल कर लिया। और सुन मैं दुबई गया था जब मुझसे सवाल कर लिया क्यों जा रहे हो क्या काम है। मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा क्या बोलना था मैं तो भूल गया। लखन मैंने बताया था, बोले यूट्यूब के इवेंट में जा रहे हैं, यूट्यूब ने इन्वाइट करा है, ऐसे बोला था। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक जाओ। अरे तो भाई तुम्हारा वीजा तो टूरिस्ट वीजा होगा ना? हाँ टूरिस्ट वीजा। हाँ तो बोल दो घूमने जा रहे हैं। फिर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, फालतू हमारे पसीने आ जाए उनको। लड़कों से ही पूछते हैं कंफर्म है तो भाई हमारी शक्ल लेते हैं। अरे तो भाई टूरिस्ट वीजा का मतलब होता है घूमना। क्या अलग कर दिया मैंने, क्या हो गया, क्या पूछ रहे भाई चीजें? वीजा ही टूरिस्ट है तुम्हारा, तो घूमने का ही तो हुआ ना, सीधा बोल दो घूमने जा रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही है अभी स्कूलों की, स्कूल तो खुल गया। वो मैंने कहा था यार कल तुम्हारी आंटी को, मैंने कहा वो पराठे अचार बांध देना इनको रखने के लिए। पता चला प्लेन में खुले अचार भाई, सब लड़ाई हो जाएगी वहाँ पे, पूरी प्लेन में अचार की खुशबू हो जाए, लड़ाई हो जाएगी कुछ जगह सब। अपन लोग ना एयरपोर्ट पे इंग्लिश में बातें करेंगे ठीक है, जैसे इंडिया से बाहर जाएंगे। मैं तो बोल ही रहा हूँ इसको, बोल यार अंकल। मैं इनको मैं कल रात को ये सोचा था मैं करूंगा क्या 8 दिन चलेंगे नई गाड़ी। अरे एक प्लान बनाया ना बनने इंडोनेशिया से घूमा तो खुद गया, घूमे थे गया करो गाड़ी मेरी चुप हुई मनाली। अरे अच्छा आज भी याद है मेरे को तो। गाइस हमारे जो किया है ना इन्होंने, हम लोग गाड़ियां देख रहे थे ठीक है, तो ये सब बोले यार नई गाड़ी का क्या सीन है, तो मैंने मुझे 15 दिन दो मुझे सोचना है कि क्या डिसीजन लेना है। तो आज कल रात को मैंने डिसीजन लिया, जो हमारी पुरानी गाड़ी है ना उसी को नई कर लेंगे। उसको 8 दिन तक है ना हम लोग डेंटिंग पेंटिंग में देने वाले हैं, उसके सारे डेंट निकालेंगे, पूरा नया कलर चेंज फिर ऐसे करके यू एक डिलीवरी ले लेंगे अपनी नई गाड़ी होगी। तो कलर ही चेंज करवा रहे हैं? अरे नहीं व्हाइट ही, नहीं व्हाइट तो वो तो फिर सब जान जाएंगे, ये तो व्हाइट अच्छी सुंदर चमका देंगे। कितनी चमका कितनी चमका ले, व्हाइट अगर रखेगा तो सब जान जाएंगे ये तो वही किया है। तो दो व्हाइट नहीं ले सकते इंसान? नहीं ले सकते, क्या मतलब है? नंबर प्लेट कलर चेंज कर लो। अरे नहीं कलर चेंज, कलर चेंज, नंबर प्लेट चेंज करवा लेंगे। कलर चेंज कर लेगा, कलर चेंज कर लो उसका, मेटालिक कलर कर लो। नहीं ब्लैक मैट, ब्लैक मैट कर ही ले तो ब्लैक मैट ही कर लेते हैं। ब्लैक मैट तो अच्छी नहीं है, बोले ले लीजिए अपन का तो 8 दिन में सोच के बता रहा हूं। गर्दन का लगा बोला ले लीजिए, गाड़ी ले जाना और वो करा नहीं डेंटिंग पेंटिंग कल करवा दो। मुझे बता मैंने फिक्स कर दिया बताया पहले गाइस, इसके हाथ में रहेगी गाड़ी 8 दिन नहीं, मेरे हाथ में नहीं रहेगी। पहले तो 4 दिन डेंटिंग पेंटिंग पढ़ना है, ये डेंटिंग पेंटिंग करा के तैयार करेगा और चलाएगा, तुम आओगे जब तक वापस तैयार। वो गया 8 दिन के लिए, 3 दिन हो जाएगा, 5 दिन तो मेरे पास है गाड़ी, आपको वापस पेंटिंग के लिए तैयार। पहले
पहले बाद में पहले घूम लूंगा फिर डेंडिंग पेंडिंग डालूंगा वापस तैयार होएगी वो अगर घूमे तो पहले घूम ली भाई हां पहले डेंडिंग पेंडिंग लगाए घूम रहा है वो तो कवर कर रहा है मेरा क्या नापेगा यार देखो वजन 100 वजन नापेगा क्या मेरा ये टूट जाएगा तेरा ये ये टूट जाएगा आपका ये तो नहीं टूटेगा अरे शर्ट लगा लो हेयर स्टाइल बना ली है छोटी फ्रेंच ब्रेड पर इससे ना इससे मतलब इतना सही रहता है मामला फ्रेंच ब्रेड ऊपर से बन रही है ना हाँ तो ऊपर से छोटी यार एक बार इसको बोल देना मेरी फोटो ढंगी खींच दे यार ये बात यार टीपू हमने तेरे को कितनी बार गए तो हमारी सत्संग में बढ़िया फोटो चार पांच सत्संग हो गए तूने एक में फोटो नहीं खींची हमारी कौन से में दूसरे में नहीं खींच पाया काम कर रहे थे दीदी का मुझे याद है आज भी कौन से वाले में खींची थी वो फोटो जो आप हर सक्सेस उस कीर्तन के इनविटेशन पे लगाते हो भाई इनका बीटीएस भी बना सकता है तो भाई तो यार फिर वो करना चाहिए था तो सत्संग के बाद में पहले मेरे उसके लिए बोलते हैं मेरी फोटो अच्छी खींचेगा एक यार ये अपने इस बच्चे की भी अच्छी फोटो खींच देंगे इसकी सगाई वगाई करवाएंगे फोटो बढ़िया सी प्रपोजल फोटो चाहिए पाँच सात दस मेरे को भी दे देना कॉपी निकलवाते आप क्या करोगे इंटरनेट कहीं ना कहीं करेंगे एडजस्टमेंट फोटो मेरा चेहरा पूरी दुनिया में घुमा हुआ पहले मुझे जरूरत है इनकी चीजों की वो चीज अलग है उसको भूल जा रितेश ने बोला कि भाई थाईलैंड का कोई टेंशन नहीं मैं टिकट विकेट सब बुक करा लूं लेकिन साथ में चलूंगा क्या बात कर रहे हो ये अपने साथ जाएंगे नहीं यार पक्का चल जाता पर टाइम की थोड़ी कमी है अभी इसके साथ ही जाऊंगा भाई भाई मैं भी जाऊंगा भाई इसके साथ क्यों नहीं जाएगा भाई अरे खराब आदमी थोड़ा ही अरे अपने साथ नहीं जाएंगे थाईलैंड बना कर दिया हमारे साथ थोड़ी जाएंगे ये घूमने जाएंगे ना अंकल देखेंगे भाई क्या है दुनिया में क्या क्या दुनिया में क्या हो रहा है इसका पता क्या रूल है इसका क्या रूल है यहाँ से तो मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ जाके अलग हो जाऊंगा वहाँ जाके तुम्हारा जोन अलग है हम हमारे चलो भाई चलो निकलो टाइम हो गया यहाँ से पहुँचने की देरी होती है पहुँच गए अब जाएंगे तो ये लोग पांच दिन बाद ही और जाएंगे तो मुझे ले ही जाएंगे वापस से सब जाएंगे ही जाएंगे हाँ अपने मजे करो पहले फिर बाद में बात कर लेंगे चलो बेटा इसी को फन कहते चलो ऑल्सो दोस्तों हम पहली बार जा रहे हैं बाली हमने वीडियोस वगैरह तो खूब देखे हैं तो बाकी हम लोग आपको गाइड करते चलेंगे सारी की सारी चीजें बताते चलेंगे कितना खर्चा कहाँ पर होता है हमको पता चलेगा उतना आपको भी बता देंगे पहले गड़ा तो ठीक कर ले देखो टीपू बताएगा वहाँ के खाने के बारे में एक्चुअली हम दोनों ने ऑलरेडी बाली घूम लिया घूमने की क्या जगह वो बताएंगे यशी और सूरज और मीकू बताएगी वहाँ के बाथरूम बाथरूम कैसे बताऊंगी की वहाँ पे क्या मेकअप करो क्या स्किन केयर करो नीट कैसे बाल बनाओ ये मेरा काम है मैं बताऊंगा कि वहाँ के गद्दे बेड कैसे अच्छे हैं जिसपे कैसी नींद आ सकती है अपने मच्छरदानी कैसे लगानी है हिट छड़कना है ओडोमॉस लगाना है मैं बताऊंगा सच्चे बताऊंगा बहुत स्ट्रीट फूड खाने के लिए जा रहे हो तुम लोग मैं कह रही हूं स्ट्रीट फूड वहाँ पर खाएंगे हम वहाँ पे वहाँ की मिठाई और वहाँ पे ना एक चीज है चीज रोल करके फेमस है बहुत पता करने आ गए आज क्या राजवाड़ी वाला एक डिस्कशन चल रही थी ना इनकी फोन मैंने नहीं सुनी ओके बाय और इनका ध्यान रखना टीपू बानू टीपू सबका ध्यान रखना टीपू समझदार लड़का है हाँ टीपू नहीं बानू ही समझदार है भाई जाते जाते मतलब जाते जाते कैसी दी तूने अरे भाई इतना लड़ते हुए आए ये हमारे पूरे ग्रुप को सबसे अच्छा लड़ रहे थे मतलब जाते जाते भी टोंट कैसी दी हमारे सबसे अच्छे इंसान ये चीज भी है सबका ध्यान रखना आराम से जाओ बेटा ध्यान से जाना ये गाड़ी नई करवा लेना है ना हाँ ये सब जगह से एक बार दोस्तों शुरू भी नहीं हुई पहले पर्ची कटा ली एक्स्ट्रा लगेज की तो दोस्तों मेरी गलती नहीं है मुझे कुछ नहीं बोलना मेरा परफेक्ट में मामला था इन लोगों की गलती है लोग आ चुके हैं ढाई घंटे ढाई घंटे क्या करते हैं यहाँ से बाहर चलते हैं उधर स्टारबक्स का फोटो क्लिक कराता हूँ एक बैंकर सी और अगर तूने नई फोटो खींची आपको क्या बताऊँ हमारा फिर से एक और लिक्विड रह चुका है लोशन की बॉटल
लेकर आए थे वो वहीं रख दी। लिक्विड नहीं ले जा सकते आप लोग ट्रैवलिंग के टाइम पे। गाइस क्या खा रहे हो? कैरेट चीज केक। हां कैसा है? इतना बुरा है भाई कसम। और टिकुया को बोल दिया अच्छा है अच्छा है। खा ले भाई, अच्छा मजाक कर रहा हूँ, बुरा बोल दो ताकि कोई खाए ना इसलिए। पता कैसा? यह कोई मतलब का नहीं बनाने का। सच में चीज केक में कैरेट कौन डालता है? फ्लाइट डिले हो गई। इतनी देर से यहीं पे ही बैठे हैं गाइस। हम ना पहली बार एयरपोर्ट जल्दी आए जल्दी, और अब फ्लाइट की गलती है आज। और जल्दी में भी क्यों आए थे? क्योंकि क्या है, हमें पता था कुछ ना कुछ बसड़ होती है वेट की, और उसकी वहाँ नीचे बैग वैग चेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऊपर आते थे, हमने खूब टाइम लगाया। उसके बाद भी हम पहले थे यहाँ जो आगे सबसे पहले। ज्यादा तो सीधा मतलब ना यहाँ पे जादू लग रहा है जादू। ये जो आग भी नहीं आ रही, हैरी पॉटर वाली टोपी है ये, दल चुनाव वाली टोपी। अब देखते हैं आप किस में जाते हो, नाक शक्ति में या गरुड़ द्वार। फाइनली हम लोग जा रहे हैं और सबसे लास्ट में बोर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले आए थे। बताओ यार दोस्तों, यहाँ के हिसाब से सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग मलेशिया पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ा बहुत घूम रहे थे, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, थक गए घूमते घूमते हमारी जगह जहाँ पर थी वहाँ आते थे। टीपू को है ना फ्लाइट के अंदर ना वो मिले 5 मलेशियन रुपीज। रुपीज बोले क्या बोलते हैं, MYR लिखा हुआ था, 5 मिले, तो मतलब वो हो गए हमारे इंडियन रुपीज के हिसाब से 100 रुपए। तो 60 रुपए की तुमने जॉयस्टिक ले ली, ये खाएंगे बढ़िया बैठ के, और 2 रुपए और ले लिए 20 रुपए। मतलब ये रहे। समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, बहुत कंफ्यूजन है कसम से बता रहा हूँ। 2 रुपए प्लेन में बैठे हम, अब वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ MYR में। भाई साहब मेरे तो टेंशन हो गई, मैंने कहा मैं तो इंडोनेशिया जा रहा हूँ तो रुपया लिखा रहता है, अब मुझे दिमाग से निकल गया था मलेशिया आ रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा ये कितने का है, वो भी खुद कैलकुलेटर लेके बैठी हुई थी एयर होस्टेस भी, कैलकुलेट करके दिखा दी। छोटी छोटी 3 बोतल 80 रुपए की एक बोतल। भाई टीवी भैया की हालत देखो 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 कैसे खा रहा। देखो भैया टीवी भैया यार ये क्या कर रहे हो यार, यार टीवी भैया यार ये खाया हम लोगों ने, इसके अंदर चॉकलेट निकल रहा है। मैं तो भैया ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती इसे सुबह 5 बजे। ब्रेकफास्ट तो क्या, मेरी तो बॉडी फंक्शन नहीं करती। टाइम क्या था पता नहीं लग रहा है, वहाँ 5 बज रहे हैं या 7 बज रहे। पता है मैंने लैंड होने से जस्ट 2 मिनट पहले देखा 4 बज रहे थे, लैंड होने के बाद 7 बज रहे थे। और पता है क्या, यहाँ पे मुझे ना टाइम का पता चल रहा है ना मेरी बॉडी का चल रहा है, ऐसा लग रहा है बस चल रही हूँ बस चल रही हूँ बस चल रही हूँ। हाँ पक्का वेज है, लग नहीं रहा। लो खा के देखो, ये चाय पी के देखो, जिंजर टी। देश के बाहर भी समोसा पकौड़ी चाय खा रहे हो। सॉस का है? सॉस नहीं है ना, चटनी है यार ये, अब वो नहीं है ना अपना। मैं उनको बता क्या था चटनी कैसे बनाते हैं। आलू पकौड़ी खा रहे हो यार? ये ऊपर का पफ थोड़ा ठीक नहीं है, अंदर का मसाला तो अच्छा है। गाइस हमारी फ्लाइट फिर डिले हो गई, और हमारे पता नहीं क्या सिस्टम बड़े हैंग हो रहे, थोड़े से डिले। ठीक ठाक है। इनो टाइप की चीज लेकर तुम सबके लिए ना, इनो टाइप की चीज। कार्ड तो ले जाओ। पेमेंट कैसे करोगे? पेमेंट भाई मेरे बहुत ऑप्शन है। ठीक है तो फिर दे मेरा कार्ड। नहीं जब आपके पास ऑप्शन है तो वही तो मेरा ऑप्शन है जो तुम ले लिया। इंडिया के बाद लेट जब होती है फ्लाइट तो खुशी खुद ही देते हमें, तो वहाँ लड़के बांटना पड़ता। कुछ खाने को मिल गया तो हम लोग तो कुछ हो गए अभी थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं। डेली और दो, हाँ देखो क्या बात कर रहा भाई, छोटे-छोटे पानी थे मैं गए नहीं यार, मैं तो सोच ही रहा था यार मेरे में कुछ होगा भाई। रैप वाले भैया चोकोस और चीतोस, ये तो टीपू के मुंह में ही खत्म हो जाएगा। ये तो कई दफ फ्लाइट फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, 5 मिनट कब होती है जब पे खा के तो खत्म कर दो ना दिए। तो फाइनली बाली पहुंच चुके हैं और अभी वाली फ्लाइट पूरे 3 घंटे सोकर आया, अब जाके होटल जाएंगे, चेंज वेंज करेंगे, वापस फ्रेश होंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। और ये वाला ब्लॉग तो यहीं पर एंड करते हैं, अब जो आगे मस्ती मजाक देखने को मिलेगा बाली आ चुका है, बाली में नया ब्लॉग बनेगा। ओके सो ब्लॉग एंड करते हैं, थैंक यू वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।